दोस्तों, कोटा रांची इंटरसिटी के परिचालन को मिली हरी झंडी। जी हां दोस्तों, अप्रैल माह में किसी भी दिन इस ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। यह इंटरसिटी ट्रेन नंबर 18620 गोड्डा रेलवे स्टेशन से शाम 4:35 पर खुलेगी। ट्रेन दुमका व जसीडीह के रास्ते अगले दिन अगले सुबह 3:55 पर रांची स्टेशन पहुंचेगी। दोस्तों, मालूम हो कि सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने नई ट्रेन की मांग रेल मंत्री से की थी। इसके बाद रेल मंत्रालय ने इस इंटरसिटी के परिचालन को लेकर हरी झंडी दे दी गई। इस ट्रेन के परिचालन पर मालदा व आसनसोल डिवीजन दोनों को काम करना होगा। दोस्तों, इसके बाद किसी भी दिन गोड्डा से रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हो जाएगा। इससे पहले गोड्डा रेलवे स्टेशन पर तीसरा प्लेटफॉर्म भी बनकर तैयार होने वाला है। दोस्तों, इस ट्रेन से गोड्डा वासियों को काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है। इस ट्रेन के परिचालन का काउंटडाउन शुरू भी हो चुका है। इस ट्रेन के खुलने से जिले वासियों को काफी राहत पहुंचेगी। अभी हर दिन गोड्डा से रांची जाने के लिए 8 से 10 बसें खुलती है, जिसका किराया लगभग 650 रुपये हो गया है और यह ट्रेन लगभग आधे से भी कम किराए में गोड्डा से रांची पहुंचा देगी। दोस्तों, डॉक्टर निशिकांत दुबे के कारण गोड्डा वासियों को एक के बाद एक नई ट्रेन की सौगात मिल रही है। इतने कम समय में गोड्डा स्टेशन को एक के बाद एक ट्रेन मिलती ही जा रही है। अगर ऐसे ही चलते रहा तो वो दिन दूर नहीं जब गोड्डा से भी दूर दराज के क्षेत्रों के लिए भी ट्रेन मिलेगी। दोस्तों, यह न्यूज पाकर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट जरूर करें। और अगर आप गोड्डा वासी हैं तो आप अपनी खुशी कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।